नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं केस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केस, उसे आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि केस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम है केस। व्हाट इज केस? केस क्या होता है बच्चे? केस किसे बोलते हैं? सबसे पहले केस किसे बोलते हैं? तो केस हम बोलते हैं, केस इज नथिंग, केस बिल्कुल कुछ भी नहीं है। केस इज नथिंग, इट्स अ नेम ऑफ रिलेशन विथ नाउन। ये एक नाम है किसी संबंध का। किसके संबंध का? ये किसके संबंध का है? नाउन के संबंध का या प्रोनाउन के संबंध का? केस बिल्कुल भी कुछ नहीं है। केस बोलते हैं एक नाम को, किसके नाम को? किसी भी चीज के नाम को, रिलेशन को, संबंध को, और किसके साथ? नाउन या प्रोनाउन के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं केस का। आई गॉट डेविड एस पेन। किसका पेन? आई गॉट। किसने पाया? किसका पाया? मैंने पाया। क्या पाया? पेन पाया। किसका पाया? डेविड का पाया। तो इसी को बोलते हैं केस। किसने पाया ये नहीं, किसका पाया। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट किसने पाया? तो जिसने पाया उसी को बोलते हैं केस। बेसिकली थ्री टाइप्स के केस डिस्कस करेंगे आज हम। पहला है नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पॉसेसिव केस, जिसे हम रिलेटिव केस भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जिसे हम लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। एकदम आराम से बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है केस। आज के बाद आप कभी भी केस वाले चैप्टर में क्वेश्चन छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस एक ऐसे केस को बोलते हैं जब किसी सेंटेंस में नाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले नॉमिनेटिव और सब्जेक्ट क्या क्या, जितने भी सारे सब्जेक्ट क्या है वो हमारे नाउन या प्रोनाउन, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, और कोई भी नाम और दे, ये सभी क्या है? ये सभी नॉमिनेटिव केस हैं। तो सेंटेंस में कभी भी इन सभी का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता यानी कि डूअर, काम करने वाला। जब भी किसी सेंटेंस में कोई काम होगा और वहां पे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाएगा तो वही हमारा क्या होगा? नॉमिनेटिव केस। एग्जांपल्स देखते हैं। डेविड इज ईटिंग, डेविड खा रहा है। तो यहां पे काम हो रहा है क्या? खाने का, ईटिंग का काम हो रहा है। लेकिन इस काम को किसने किया? कोई भी काम जो होगा सेंटेंस में, कोई भी काम जो सेंटेंस में किया जाएगा वो जिस सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा उसे ही बोलते हैं हम नॉमिनेटिव केस। काउस ईट ग्रास, गाय क्या करती है? घास खाती है। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खाने का हो रहा है, ईट हो रहा है। वर्ब क्या है? ईट है। लेकिन इस काम को किसने किया? काउस ने किया, डॉग ने किया, कोई भी किसी ने भी किया। जिस सब्जेक्ट ने किसी काम को किया वही क्या हमारा सब्जेक्टिव केस है, यानी कि नॉमिनेटिव केस है। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव वर्ड से क्लियर है कि ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ कोई वस्तु नहीं होता है। लोग, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स में कि ऑब्जेक्ट को पेन, पेंसिल या रबर कटर मान लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि काम जो किया गया किसी सब्जेक्ट के द्वारा, वो काम किस पे किया गया उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। वो किसी पेन के लिए भी काम हो सकता है या फिर मुझ पे काम हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है जब भी किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल हम एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्टिव क्या था? एज अ सब्जेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे। जब भी किसी सेंटेंस में हम नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल एज अ ऑब्जेक्ट करेंगे तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कि ही ईट्स राइस, यहाँ पे ही क्या है? प्रोनाउन है।
और यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, एज अ नाउन या प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं, और यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाने का ईट्स हो रहा है, लेकिन ये काम किस पे हो रहा है, खाने का जो काम कर रहे हैं, व्हाट यू ईट, ही ईट्स राइस, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु नहीं है, यहाँ पे आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके पास जा रहा हूँ, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का हो रहा है, लेकिन काम कहाँ पे हो रहा है, हिम, यहाँ पे टू पटना, टू दिल्ली, टू कोचिंग, टू स्कूल, कोई भी प्लेस हो सकता है, तो ये सभी क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, हिम हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस में आप तीन केस होते हैं, उन सभी को याद कर सकते हैं, नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को दो भाग में बांटा जाता है, एक है पॉसेसिव प्रोनाउन और दूसरा है पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आई अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा, वी अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, यानी कि सेंटेंस में वी का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट करते हैं, काम करने वाले के रूप में करते हैं, और अस का इस्तेमाल काम होने वाले पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव को हम रिलेटिव केस भी बोलते हैं। पॉसेसिव का मतलब होता है संबंध। जब भी किसी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल, पॉसेसिव का इस्तेमाल, पॉसेसिव वर्ड का इस्तेमाल रिलेशन को दिखाने के लिए किया जाता है, पोजीशन को दिखाने के लिए किया जाता है, किसी भी नाउन का इस्तेमाल, किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में पोजीशन को दिखाने के लिए किया जाता है। पोजीशन का मतलब बताया मैंने आपको, संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है, तो वही हम इस्तेमाल करते हैं पॉसेसिव केस का। पॉसेसिव केस, जैसे कि एग्जाम्पल, दिस इज डेविड एफ कार, या किसकी कार है, ये डेविड की कार है। यहाँ पे पोजीशन को दिखा रहे हैं हम कि क्या ये कार किसकी है, डेविड, तो डेविड ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है कि डेविड का संबंध किससे है, कार से है। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, रिलेशन को दिखाने के लिए, एपोस्ट्रॉफी एस इसे कहते हैं जिसे हम संबंध को, रिलेशन को दिखाने के लिए सेंटेंस में करते हैं। दिस इज हिज कैट, दिस इज हिज कैट, यहाँ पे हम कैट का संबंध किससे दिखा रहे हैं, इसका मतलब है यह जो बिल्ली है क्या उसका, तो यहाँ पे उसका संबंध किससे है, हिज से है, तो ये क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है, यानी कि काम किसके लिए हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, काम कौन कर रहा है, ये तो सब्जेक्ट है, काम किसके लिए हो रहा है, काम किस पे हो रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, एज अ पोजीशन के रूप में कर रहे हैं, ये संबंध को दिखा रहे, ये शो कर रहा है संबंध, जैसे बोलेंगे डैट इज योर कार, डैट इज योर कार, यानी कि कार का संबंध किससे है, आपसे है, तो ये क्या दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल, यहाँ पे काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है, अगर पूछा जाए वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, काम किस चीज पे हो रहा है, क्या खेल रहे हैं आप, क्रिकेट, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रिकेट तो कोई वस्तु नहीं है ना, क्रिकेट तो थिंग्स है, एक गेम का नाम है, तो लेकिन ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि हम काम इस पे कर रहे हैं, काम खेलने का जो काम है वो उस पे कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसके जरिए हमारे जो डाउट्स है इस केस का वो सारा क्लियर हो जाएगा। राम बीट्स श्याम, राम यहाँ पे राम है, बीट्स है और श्याम, तीन वर्ड्स हैं। अब हम लोग सभी को देखेंगे कि कौन नॉमिनेटिव है, कौन ऑब्जेक्टिव है और कौन पोसेसिव है। सबसे पहले नॉमिनेटिव क्या है, नॉमिनेटिव यानी कि काम को यहाँ पे कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और काम क्या हो रहा है यहाँ पे, तो जो सेंटेंस में काम को कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और काम क्या हो रहा है, मारने का हो रहा है, बीट्स हो रहा है, तो यहाँ पे काम, अब ये जो काम हो रहा है मारने का, ये किस पे हो रहा है, श्याम पे हो रहा है, लेकिन श्याम भी एक नाउन है, लेकिन मैंने आपको बताया कि काम करने वाले को सब्जेक्ट और काम जिस पे होता है वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है, यार क्यों, क्योंकि इस पे काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। दैट इज हिज बाइक, यहाँ बाइक उसकी है, That is his bike, यहाँ पे संबंध को दिखाने का काम कर रहे हैं, बाइक का संबंध किससे है, his से है, तो ये जो वर्ड his है वो क्या दिखा रहा है, पोसेसिव केस दिखा रहा है। This is for Ravi, या किसके लिए है, रवि के लिए है, यहाँ पे रवि क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि काम किसके लिए हो रहा है, यहाँ पे काम तो हो रहा है, कोई काम है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन कुछ जो भी चीज हो रहा है यहाँ पे वो किसके लिए है, रवि के लिए है, यानी कि रवि क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है।
मैंने आपको बताया कि के ऑब्जेक्ट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट का मतलब सिंपल सा होता है कि काम किस पे हो रहा है। When the work is done for anything, that is called object, not anything that is name of object. अगला नेक्स्ट हमारा है कि सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो यहाँ पे सी क्या है, एज अ नाउन या एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे, सी एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे सेंटेंस में। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है, वो एक बात को बोल रहा है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि वह क्या है, मेरी बहन है। तो यहाँ पे कि आप सेंटेंस सुन रहे हैं कि वह मेरी बहन है, तो क्या पता चल रहा है कि ये संबंध को दिखाने का काम कर रहा है। और कौन सा वर्ड सिस्टर से रिलेट कर रहा है, तो वो वर्ड है हमारा माय, वह मेरी सिस्टर है। तो माय सिस्टर इज रिलेटिंग विद दिस वर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इट वॉज फॉर देम। आप मुझे इस क्वेश्चन में बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में किस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव या पॉसेसिव है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, क्या आप उससे कुछ सीखते हैं कि नहीं। तो इसीलिए आप इस जो भी ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हूँ, आप इसमें से कौन से एक वर्ड है, कौन सा एक वर्ड है जो कि इन तीनों में से कोई केस है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज का लेक्चर खत्म यहीं पे होता है। हमारे वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ही कंटिन्यूस हार्डवर्क कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि आप डिमांड कर रहे हैं उस तरीके से कि सर आप वीडियोस चाहिए, कंटिन्यूस चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीक में अब एक दो वीडियोस तो हम आपके लिए ग्रामर में लेके आएंगे ही, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार आप सभी के साथ लाइव आऊँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल को दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने के लिए, आपने हमें इतना प्यार दिया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, 7600 प्लस पहुंचाने के लिए। आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं, जो आप हमें इतना प्यार कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे हमें प्यार करते रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।